हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। व्हाट आर ग्रोथ फैक्टर्स? ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे मेडिसिंस हैं जो हमारे शरीर के लाल सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने की मदद करते हैं। ये अक्सर उन मरीज़ों में, उन पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं जो कीमोथेरेपी पे हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी से अक्सर इनके काउंट्स में, इनके नंबर्स में कमी आ जाती है। हम चाहते हैं कि हम अगला साइकिल कीमो का अगला डोज समय पर दें, उसके लिए हमें अक्सर ग्रोथ फैक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये PFS, जिसे प्री फिल्ड सिरिंज कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि ये आपको डोज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आपको डोज सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, मिक्स नहीं करना पड़ता, पहले से ही एक बना बनाया डोज मिलता है जो आपको सबक्यूटेनियसली यानी स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे ही दिया जाता है। वाइट सेल के लिए जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो दो स्ट्रेंथ्स में आता है, एक है 300 माइक्रोग्राम और एक है 6 मिलीग्राम। और जो रेड ब्लड सेल के लिए आता है उसको अक्सर वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इसमें 100, 200 और 500 अलग अलग स्ट्रेंथ्स में, 4000, 10000 अलग अलग यूनिट्स में भी अवेलेबल होता है। वो अक्सर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लग रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना फ्रिक्वेंटली हम देना चाहते हैं, एवरी वीकली, हफ्ते में, दो हफ्ते में या तीन हफ्ते में। ऐसे ही आजकल प्लेटलेट के लिए ग्रोथ फैक्टर भी अवेलेबल हैं। अगेन ये भी एक इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है, इसमें एक वायल अवेलेबल होता है जिसमें हमें पहले ड्रग को मिक्स करके, डाइल्यूट करके फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। इसकी भी अलग अलग स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं, जैसे 125 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम और 500 माइक्रोग्राम। ये भी सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और अक्सर हम इसे एक हफ्ते में रिपीट करते हैं। इनको यूज़ करने से हम रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को एक सही मात्रा में या एक सही लेवल पे रख सकते हैं, जिससे कीमो देने में कोई रुकावट ना आए।